हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्टे होम एंड बी सेफ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो कंप्लीट कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसका हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। इसके अंदर मैं आप दो क्वेश्चन फिर कराऊंगा और हो सकता है इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही है, इसको जिन बच्चों को एलसीएम में अभी भी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज इसको एलसीएम अच्छे से आता है वो आराम से समझ लेगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल, इसमें एक सिंपल और एक थोड़ा सा टफ है। देखिए पहला वाला बहुत सिंपल है, इसको हमें क्या करना है, इसको ऐड लिखा है मतलब जोड़ना है, यानी कि इस फ्रैक्शन वाले नंबर को इस फ्रैक्शन से जोड़ना है। सिंपल नंबर तो हम ऐड करते ही आए, आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। ये फ्रैक्शन नंबर है 5/9 प्लस 7/9, इन दोनों को जोड़ना है। फ्रैक्शन वाले नंबर कैसे ऐड किए जाते हैं, जब नीचे वाले डिनोमिनेटर, नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर पता ही आपको, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर जब इक्वल हो तब तो क्वेश्चन होता है सिंपल, क्योंकि इन दोनों डिनोमिनेटर को हम कॉमन 8/9 मान लेंगे। दोनों डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसको हम एक सिंगल नंबर के रूप में ले लेंगे, चाहे वो 9 हो चाहे कोई भी नंबर हो। ऊपर वाले को 5 और 7 को मैजिक ले लेंगे, 5 + 7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5 + 7 कितने हुए, 12, और नीचे जो 9 है वो 9। तो इस तरह से ये कट रहा है, तो आप इसको थॉट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये वैसे आपका फाइनल आंसर यहीं पे आपका फाइनल आंसर बन जाता है। आप देखिएगा ये नहीं कि सर पीछे में सर आंसर, कई बच्चे क्या होता है चेक करते हैं कि सर आंसर तो कुछ और आ रहा है, आपने कुछ और लिखा है, जैसे इसके अंदर आंसर आ रहा है 1 1 1 3 ऐसा आंसर आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या होता है, हमें इसको थॉट फॉर्म में लिखना है, और जब भी कभी नंबर ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा आता है, यानी कि इम्प्रॉपर फॉर्म में आता है, तो आपको इसको मिक्स फॉर्म में आंसर देना होता है। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला बड़ा है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, और अगर वो शॉर्ट हो रहा है और तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं काट के, जैसे दोनों एक ही नंबर से कट रहे, देखा जाए तो किससे कट रहे हैं, 3 से, 3 3 9, 3 4 12 कट रहे हैं, तो ये कट करके बन जाएगा 4/3। ठीक है, लेकिन अभी भी ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा, यानी कि इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी खत्म कर सकते, ये गलत नहीं कहलाता, आप यहाँ पे भी आंसर लिख देंगे तो आपका राइट है, बट हमें हमेशा ध्यान रखना जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो उसको मिक्स में आप मिक्स फॉर्म में आंसर दीजिए। मिक्स फॉर्म में कैसे देते हैं, इस 4 को जो ऊपर नंबर होता है वो हम डिवाइड के फॉर्मेट में अंदर लिखते हैं, आप डिवाइड करके इसको मिक्स फॉर्म में बदल सकते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर हमेशा अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है, ये नहीं कि सर जरूरी क्या ये भी अंदर आ सकता है, ऐसा नहीं, अगर ये बड़ा नंबर होता तो भी ये बाहर ही आता। अब 3 बन जा 3 डिवाइड किया यहाँ बचे 1। अब ये क्या करना है, फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये जो नीचे वाला 1 होता है ये चले जाएगा ऊपर, यानी कि इसको हम ऊपर लिख देंगे, ये जो ऊपर वाला 1 है ये चले जाएगा 3 की जगह आगे, यानी कि इसको हम आगे लिख देंगे, और ये जो 3 है यहाँ वाला ये चले जाएगा नीचे, मतलब ये घूम जाएंगे अपने प्लेस से, तो जो 3 है ये यहाँ। और एक चीज और ध्यान रखना, जो नीचे होता है नंबर वो हमेशा नीचे रहेगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर है मिक्स फॉर्म में भी वही डिनोमिनेटर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो ये सर्कल वाला आप समझ सकते हो समझने के लिए। तो इस तरह से मैंने 4/3 को मिक्स फॉर्म में लिख दिया, ये आपको रफ में करना है, ये फेस में नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि मिक्स फॉर्म में कैसे लाया जाता है। देखिए ये आप वीडियो में देख भी समझेंगे और अदरवाइज रफ में कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया जो आपके बुक में आ रहा था। अच्छा, अब मैंने कहा ये सिंपल है सर, कह रहे आपको सिंपल है और इतना लंबा, ये लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मिक्स फॉर्म में लाया, बाकी देखा जाए तो दोनों सेम है, सेम ही दो ऊपर वालों को जोड़ दो और 12/9 ही हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन ये बड़ा है, हमें दोनों ही नंबर एक नंबर से कट रहे हैं, दोनों ही नंबर एक ही नंबर से कटते हैं तो फिर उसको हमें छोटा करना पड़ता है, जैसे दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं तो मैंने 3 से काटा, इसलिए आपको लंबा लग रहा है, ये सिंपल है। अब इस वाले में आपको इतना आपको एलसीएम नहीं करना पड़ा, इस वाले में आपको एलसीएम करना पड़ेगा, कैसे देखिए 3/5 3/5 एंड 7/4 को ऐड करना है। अब मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर इक्वल होता तो हम कॉमन लिख देते हैं और ऊपर वालों को भी सेम, लेकिन जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो हमें करना पड़ता है एलसीएम। अब हमें एलसीएम किसका करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर का, ऊपर वालों का नहीं, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है 5 एंड 4 इनका हमको
एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम इस तरह से करते हैं हम, आता है सभी को? देखिए सबसे छोटा नंबर 2 से करते हैं हम, तो 2 से 5 तो जाता नहीं है, 2 की टेबल 5 ऐसे ही जा जाएगा, 2 की टेबल 4 जाता है, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 जा रहा है, 2 1 जा 2 5 भी जा रहा है। अब 5 की टेबल से ही 5 जाता है क्योंकि प्राइम नंबर है, हम 5 से करेंगे, 5 2 जा 5, अब ये पूरा सॉल्व हो गया। नीचे 1 1 आ जाता है तब हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से 2 से फिर 2 से, यानी कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into 2, 2 into 2, ये बना दिया मैंने, ये क्या आ रहा है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि इनका जो LCM आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 20, तो यानी कि जब 20 LCM आ रहा है, तो आपको नीचे जो आपने यहाँ कॉमन लिया था ना, आप यहाँ पे हमारा कॉमन नहीं, यहाँ हमारा LCM आएगा 20, इन दोनों का जो LCM आता है, वही हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर बन जाता है। अब ऊपर वाले नंबर यहाँ पर हमने 5 और 7 सेम लिखे थे क्योंकि यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया गया था, बट यहाँ एलसीएम लिया जाता है, जहाँ पे एलसीएम लिया जाता है वहां पे ऊपर वाले नंबर सेम नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट बदल के लिए लिखूंगा, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि वो बदलता कैसे है। जैसे पहले आप 3 लिख दो, ये 3 तो है ही, अब इस 3 को हमें मल्टीप्लाई करना किससे है, ये 3 के नीचे जो डिनोमिनेटर है 5 जिससे हमारा एलसीएम बना 20, तो 3 को लिख के इनटू लगा के उसके नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर को देखना है कि वो इस एलसीएम से कितने टाइम कट रहा है, कि इस 5 की टेबल में 20 कितने बार में आता है, 4 टाइम में, 5 4 जा 20, तो ऊपर वाले 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, समझे? एक बार फिर से समझिए, ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिखना है, फिर एक मल्टीप्लाई लगाना है, फिर यहाँ वो नंबर लिखना है जो कि नीचे वाले नंबर, जो नीचे नंबर डिनोमिनेटर आ रहा है वो इस एलसीएम को जितने बार काटता है जितने टाइम, वो नंबर यहाँ लिखा जाता है। तो 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम, तो मैंने यहाँ लिखा 4। अब ये प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर 7 है, 7 लगाएंगे, 7 को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 की टेबल में 20 कितने बार आता है उससे, तो 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम, जैसे 5 की टेबल में 20 लिखा था 5 4 टाइम आ रहा था, उसी तरह 4 की टेबल में ये एलसीएम कितने बार आता है 5 टाइम, 4 5 से 20, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना। इस तरह से ये ऊपर वाला नंबर बदलेगा, ताकत तो मैं डायरेक्ट लिख देता, आप ये डायरेक्ट लिखते हैं, पर मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि ये बदलेगा। अब ये ऊपर वाला नंबर 3 से बदल जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 से क्या बन गया 12, और प्लस 7 5 जा 35, और ये बन गया 7 से 35, ठीक है, और नीचे 20 का 20 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर लिखा मैंने इसे। अब 12 और 35 को ऐड करो कितने होते हैं, 5 और बीच वाले नंबर जोड़ लो, 2 और 5 7, 3 और 1 4 47, और यहाँ 20 का 20 आ जाएंगे नीचे, तो ये हमारा आंसर आ गया 47/20। अब ये आंसर जो है ये देखो, फिर से बड़ा नंबर ऊपर है नीचे छोटा है, यानी कि इम्प्रॉपर फॉर्म में है, और ये दोनों एक कॉमन नंबर से कट भी नहीं रहे हैं क्योंकि 47 तो किसी टेबल में आता नहीं है, तो फिर कैसे कटेगा, तो अगर नहीं कट रहा है तो उसको वही छोड़ देते हैं, और अगर मिक्स फॉर्म में देना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब बड़ा नंबर ऊपर होता है तो हमें मिक्स फॉर्म में आंसर देना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हम मिक्स फॉर्म में आंसर बना लेंगे। अब आप लोगों को समझ में आ ही है, ये कट तो रहा नहीं, यहाँ पर तो ये और कट रहा था, पर ये प्राइम नंबर 47 को हम क्या करेंगे, इस 47 को ही डिवाइड कर देंगे 20 से, 20 से 2 टाइम जा रहा है, 22 जा 40, बच रहा कितना है 7, अब वही सर्कल बना दीजिए आप, 7 गया ऊपर, 2 गया आगे, 20 गया नीचे, और वैसे भी 20 वाला नीचे वाला नीचे ही रहता है, तो ये आपका आंसर बन गया 2 7 20। चेक कर लीजिएगा आंसर, पीछे आंसर की है आपकी, आप करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं। और अगर मैंने बोला कि अगर यदि आप यहाँ पे छोड़ते हो तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है, अगर कोई आप एग्जाम में यहाँ तक पहुँच जाते हो ये नहीं आता है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट इन प्रॉपर फॉर्म में हो तो हमें ऐसा आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, और मैं ये वाला रफ नहीं कर रहा हूँ, बट ये रफ काम है, ठीक है, यहाँ लाइन रख देता हूँ, ये रफ वर्क है, ये आपको कॉपी में करना नहीं है, ये आपको रफ में करना, बाकी सब केस कॉपी में नोट डाउन करना है, ये एलसीएम भी नोट डाउन करना है जो मैंने दिया, बट ये तो एक तरीका है कि ये कैसे बनता है, इसलिए इसको फेयर में नहीं नोट करना, ये रफ में रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन बन आ गया, इसके अंदर 2 पार्ट और थर्ड एंड फोर्थ वो आप होमवर्क में करेंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की समझा देता हूँ, जैसे इसमें ऐड करना था वैसे इसमें माइनस करना पड़ेगा। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, अंतर कैसे निकलता है, माइनस करके। तो
हम करेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए इसकी तरह सिंपल क्वेश्चन लिया है, सेवन है नीचे, यहाँ भी सेवन है, तो दोनों नंबर सेम है तो नीचे भी सेवन लिख दूंगा मैं, और फाइव और थ्री ऐसे लिखा देंगे, फाइव माइनस थ्री, ठीक है। अब ये बन गया फाइव में से थ्री गए टू और सेवन का सेवन। अब देखिए ऊपर वाला नंबर इसमें बड़ा नहीं आ रहा, इसका छोटा आ रहा है, और नीचे वाला बड़ा आ रहा है, और ये दोनों और छोटे होंगे भी नहीं, ये दूसरे से कटेंगे नहीं, तो टू अपॉन सेवन ही हमारा फाइनल आंसर है। ये देखो इतना सिंपल है, यहाँ पर भी सिंपल हो जाता अगर ये बड़ा नंबर नहीं आता तो, स्टार्टिंग में अगर ये इम्प्रॉपर में नहीं आता तो ये इम्प्रॉपर भी नहीं है और आंसर ही खत्म हो जाता है। अब ये आप सेकंड पॉइंट समझिए, इन दोनों में देखिए दोनों डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होते डिनोमिनेटर तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एलसीएम, ठीक है। हम एलसीएम करते हैं, तो हम एलसीएम करेंगे किसका, 16 और 12 का, 16 और 12 का मैं एलसीएम करता हूं, ये दोनों ही टू के टेबल में आते हैं, 2 8 16 2 6 12, फिर 2 से जा रहे 2 4 8 2 3 6, फिर 2 से जा रहे 2 2 4, ये 3 नहीं जा रहा, फिर ये जा रहा है 2 1 2 पर ये 3 नहीं जा रहा, और ये 3 3 से जाएगा 3 1 3, इस तरह से दोनों आ गए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो आप डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर आता है तो डायरेक्टली बोलिए 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48, तो एलसीएम हमारा 48 आ रहा है, एलसीएम जो यहां पे नोट लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ रहा है 48 आ रहा है, ठीक है एलसीएम। अब हमें 48 हमें एलसीएम पता चल गया, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम नीचे लिखेंगे 48, और उसी तरह ऊपर वाला नंबर कन्वर्ट करेंगे 11 को 11 लिखेंगे, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर भूलते हो तो आप लिखिए 11 इंटू 16 की टेबल में 48 कब आता है, 63 जब 48 यहाँ 3 आ जाएगा, आपको आना चाहिए टेबल 7 12 की टेबल में 48 आता है, 12 2 जा 24 यानी 12 4 जा 48 4 टाइम, ठीक है। इस तरह से 11 3 जा 33 बना, और 7 4 जा 28 और 48 नीचे एज इट इज रहा, और 33 में से 28 गए कितने बचे 5, और यहाँ पे 48। अब 5 एक प्राइम नंबर है और 48 कटेगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर है। ये 48 क्या था हमारा एलसीएम, इसको लिखो यहाँ पे एलसीएम हमारा 48 आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, और इसके अंदर भी आपके दो पॉइंट है जो कि आपको होमवर्क में करना है, जो रिमेनिंग पार्ट बचते हैं यानी कि थर्ड फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का भी थर्ड फोर्थ होमवर्क है, मैं लिख दूंगा एक बार व्हाट्सएप में, और सेकंड का भी थर्ड फोर्थ आपका होमवर्क है, ये आपका क्लास का है, ठीक है। ये नोट आप कर लीजिए आज के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।